नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल shivago.com पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नेपाली पंचमुखी रुद्राक्ष के माला के बारे में। इस रुद्राक्ष माला की जो शार्पनेश है, इस रुद्राक्ष की जो शार्पनेश है वो आप देख सकते हैं। लैब सर्टिफाइड विथ ऑरिजिन टेस्टेड, और ये भी पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है, पर ये इंडोनो एशिया का है जो जनरल आपको मिल जाता है। नो डाउट इसके भी इफेक्ट होते हैं, इसके भी इफेक्ट होते हैं, पर नेपाल का जो रुद्राक्ष होता है या रुद्राक्ष की जो माला होती है उसका जो इफेक्ट है वो कमाल का होता है। और ये खूबसूरत भी लगी रहा है, आपको देख ही रहे हैं। तो इसके बेनिफिट्स हम आपको बताने जा रहे हैं, और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित ही यदि आप चाहें तो चलिए हम इसके बेनिफिट्स आपको बताते हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष सभी रुद्राक्षों में से सबसे लोकप्रिय रुद्राक्ष है। यह रुद्राक्ष समृद्धि और जीवन में सफलता का प्रतीक है। पांच मुखी रुद्राक्ष संसार में इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कालग्नि का रूप। इस रुद्राक्ष पर पांच देवी देवताओं की कृपा बरसती है, और इस वजह से रुद्राक्ष बहुत खास माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से मनुष्य के बुरे कर्मों का अंत होता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? पांच मुखी रुद्राक्ष पर भगवान शिव, भगवान विष्णु, गणेश जी, सूर्यदेव और मां दुर्गा की कृपा रहती है। इसके स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति, इष्ट देवता हैं कालग्नि रुद्र, राशि धनु और मीन, और मंत्र होगा ओम ह्रीम नमः। ये मंत्र है पंचमुखी रुद्राक्ष का। नेपाल में सबसे अच्छी गुणवत्ता का रुद्राक्ष पाया जाता है। यह व्यक्ति को जीवन के सभी प्रकार के अवांछित बंधनों से मुक्त करने के लिए और समय के साथ पहनने वाले की इच्छाओं को पूरा करता है। वो पहनने वाले के आसपास के सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है, क्योंकि यह भगवान के शिव की शक्ति से ओतप्रोत है। इस रुद्राक्ष के अधिपति ग्रह बृहस्पति हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों में अनगिनत लाभ देने के लिए जाने जाते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में लाभकारी स्थिति में बृहस्पति हैं, तो यह आपके जीवन में खुशी और सफलता की नई ऊंचाइयां लेकर आता है। यह सभी प्रकार के पापों को शुद्ध करने के लिए जाना जाता है, और यही कारण है कि अधिकांश ऋषि और विद्वान इसे धारण करते हैं। अब हम मुख्य फायदे पे आते हैं। यह व्यक्ति को असमय मृत्यु से बचाता है। यह पहनने वाले को निडर बनाता है। यह ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए शरीर पर सभी चक्रों को सक्रिय करने में मदद करता है। यह बृहस्पति के क्रूर प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यह अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। यह धारक को तनाव मुक्त बनाता है और मन को शांत रखता है। यह शरीर में रक्त के परिसंचरण में सुधार करता है। यह निद्रा को दूर करने में मदद करता है। यह पहनने वाले की आत्मा को जागृत करता है और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और व्यक्तित्व से नीरसता को दूर करता है। ऐसे लोग जो अपने जीविकोपार्जन को लेकर विकृत परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पांच मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इससे आजीविका संबंधित चीजों में उन्हें अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है। विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियां जैसे कि पीलिया, लीवर के दोष, श्रवण क्षमता विकृति आदि जैसे रोगों में यह बहुत ही कारगर सिद्ध है। इसमें मौजूद कई प्रकार की औषधीय गुण विभिन्न प्रकार की बीमारियों में बहुत ही लाभप्रद होते हैं। अतः जिस भी व्यक्ति के द्वारा इसे धारण किया जाता है, यह उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। उसकी काया पूरी तरह से रोग मुक्त होती है, उससे स्वास्थ्य कांति की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को मजबूत बनाने में पंचमुखी रुद्राक्ष की माला बहुत मदद करता है। व्यक्ति को मोक्ष को प्राप्त करने में अग्रसर रहता है।
आध्यात्मिक सफलताओं के लिए इसका भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग किया जाता है। कई प्रकार के मंत्रों को जागृत करने के लिए और उन्हें सिद्ध करने के लिए रुद्राक्ष के मनकों का प्रयोग किया जाता है। यह विद्वानों, लेखकों, पत्रकारों और ऐसे व्यवसायों से संबंधित लोगों को लाभान्वित करता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह श्वसन विकारों को ठीक करने में मदद करता है। इसके धारण करने से एकाग्रता और याददाश्त शक्ति बढ़ती है। इसे सर्व कल्याणकारी, मंगलदाता और आयुषवर्धक के रूप में जाना जाता है और इसके उपयोग से जीवन के सभी क्षेत्रों में भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। यह मोक्ष को दर्शाता है, सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो क्या प्राप्त होता है? सफलता, ज्ञान, धन, शक्ति, प्रसिद्धि और लक्ष्य की प्राप्ति। इसकी विधि मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसे कैसे पहनना जाता है। इस रुद्राक्ष की माला को आप चाहें तो सोमवार की सुबह पहनिए। पंचमुखी रुद्राक्ष को कुछ ज्योतिष गुरुवार को पहनने के लिए भी शुभ मानते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो आदमी रुद्राक्ष पहनता है उसे अपने मन में नेगेटिव विचार नहीं लाने चाहिए और इसे अंतिम संस्कार के समय नहीं पहनना चाहिए, उतार देना चाहिए या जहाँ सूतक लगा हो वहाँ पे इसे उतार कर जाना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष को प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा में बैठकर, उत्तर की तरफ मुंह करके या पूर्व दिशा में मुंह बैठकर आप इसको सर्वप्रथम अभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कर दीजिए। उसी तरह से दूध, दही, गंगाजल इत्यादि से शुद्ध कीजिए। फिर स्वच्छ गंगाजल से धोकर इसे किसी पीतल के प्लेट वगैरह पर रख दीजिए। उसके बाद धूप बत्ती दिखाइए, कपूर की आरती दिखाइए। उसके बाद इसी माला पे आप जाप कीजिए। क्या जाप करेंगे? ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं इस पूरे माले पे। यदि आप जाप ही करना चाहते हैं तो फिर जाप ही करते रहिए, और यदि आपने पहन लिया तो कम से कम पहली दफा इस पे जाप करके अपने पास के मंदिर में जो शिवलिंग है उनसे स्पर्श करवाकर फिर आप धारण कीजिए। पास में यदि शिवलिंग नहीं है तो आपके घर में यदि शिवलिंग स्थापित किए हुए हैं या कोई मूर्ति वगैरह स्थापित है भगवान शिव का तो उनसे स्पर्श करवाकर धारण कीजिए। इसका जो इफेक्ट है आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।